हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो नाराज हुए होंगे कि साला वीडियो क्यों नहीं आया। तो देखो रे बाबा, ये मेरी कोई रेगुलर दुकान तो है नहीं कि मुझे इसे हर रोज ही खोलना होगा, है ना। फिर भी मैं इसे हर रोज ही ओपन करता हूँ, मतलब पर डे वीडियो डालता हूँ। लेकिन एक बात और समझो रे बाबा, मेरी भी तो लाइफ है, मेरे को भी घूमना होता है। तुम लोग तो अपना मुंह उठा के निकल पड़ते हो अपने दोस्तों के साथ, मैं साला नहीं जा सकता क्या। इसीलिए आपसे डिसाइड करते हैं किसी एक दिन की छुट्टी को, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग उसे पूछ नहीं रहा हूँ, एक दिन का गैप तो मेरे पास होना चाहिए जहाँ मैं घूम सकूँ, एंजॉय कर सकूँ। साला कंटिन्यू वही नोबल एक्सप्लेन करते 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 ऐसा लगता है जैसे साला नोबल एक्सप्लेन करने के लिए ही पैदा किया गया हूँ। खैर अभी इस बात को हटाते हैं साइड में और देखते हैं अपने पिछले एपिसोड को। तो पिछले एपिसोड में हमने कुल मिला के देख लिया था कि जो यान और जिंग बुचैन एल्यूजन के अंदर एंटर हो गए थे, है ना। एल्यूजन के अंडर एंटर होने के बाद जिंग बुचैन जो यान को काफी सारी चीजें बताता है एल्यूजन से रिलेटेड, कि ऐसा है वैसा है जैसा है तैसा है। साथ ही उसमें मेन चीजें जो थी वो ये थी कि एल्यूजन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, आउटर पार्ट, इनर पार्ट और कोर पार्ट। आउटर पार्ट में घंटा कुछ नहीं था, एक ब्लड मून के अलावा जो सबकी लंका लगा देता था। इनर पार्ट के अंदर मेडिसिनल हब्स और मैजिकल विश थे जहाँ पे नरसंहार होता था, लोग मरते थे और मारते थे। और कोर पार्ट हाई लेवल के इंग्रेडिएंट, रेयर मैजिकल बीस्ट, रेयर ट्रेजर्स और मिस्टीरियस थ्री ऑब्जेक्ट भी वहां मिल सकते थे। जिसके बाद उसने जॉन को बताया था बाहर रहना मतलब मौत के घाट उतार देना खुद को, तो चलो अंदर चलकर देखते हैं। इसलिए वो सभी लोग अंदर गए थे। साथ ही उसने उनके माथे पे बने हुए मून के बारे में बताया था कि जितने ज्यादा लोगों को मारोगे मून उतना ही ग्लो होगा। ब्लैक कलर के मून वाले लोगों से बचना है, वो हमें मार सकते हैं। हम जिन लोगों को मारेंगे उनने जितने लोगों को मारा है उनकी किल भी हमें मिल जाएगी। टॉप 10 लोगों को गार्डियन खुद अप्रिशिएट करते हुए प्राइज देगा, बाकी लोगों को ये खत्म होने के बाद एल्यूजन बाहर फेंक दिया जाएगा। जिसके बाद उन्होंने भी एक ग्रुप को मार दिया था। जिसके बाद जिंगबू चैन जॉन को कहा था कि डांडियान के उन लोगों को मुझे मारना है क्योंकि उसने मेरी वाइफ को छीन लिया। जिस पे जॉन कहता था ठीक है मार लियो। जिसके बाद उसने अपनी जॉन को अपनी कथा सुनाई थी और मैंने एपिसोड एंड कर दिया था। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता जस्ट वहीं से। हालांकि इस टाइम पे जो यान और जिंग बुचैन आपस में बात कर रहे थे कि तभी उन्हें 5 पावरफुल ऑरे फील होते हैं जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी जो यान तुरंत ही जिंग बुचैन के कंधे को थपथपाते हुए कहता है मुझे लगता है कि चाहे तुम क्यूरियस हो या नहीं लेकिन तुम्हें अभी एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। जो सुनकर जिंग बुचैन चौंकते हुए कहता है प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम। जिस पे जॉन कहता है इस बार तुम हम सबसे पहले सबसे आगे खड़े हो। ये बात सुनते ही जिंग बुचैन के तो इंप्रेशन ही बदल जाते हैं और जैसे ही वो मुड़कर पीछे देखता है तो धूल का गुबार छाया हुआ होता है और 5 फिगर उसी तरफ आ रही होती हैं, जो देखकर वो गुस्से से खुद को गाली देता है और इसके बाद कहता है बात तो मैं लगता है मैं बहुत ज्यादा ही अनलकी हूँ। और इसके बाद वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ जो यान और लॉन्गी एक दूसरे को देखकर यहाँ पे स्माइल कर रहे होते हैं। हालांकि ये मजाक ही था क्योंकि जो ना अकेले जिंग बुचैन को 5 लोगों के साथ फाइट करने के लिए तो नहीं जाने देने वाला था, इसीलिए वो लोग भी जिंग बुचैन के पीछे पीछे आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही अगेंस्ट जो टीम होती है वो काले पीले बंदे होते हैं जिनकी बॉडी तो छोटी होती है लेकिन आयरन की जैसे स्ट्रांग लग रही होती है, और ये सभी मॉन्स्टर क्लेन के लोग लग रहे होते हैं जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। तभी जो यान और जियो लॉन्ग को उनका पीछा करते हुए देखकर जिंग बुचैन कहता है वास्तव में तुम लोग कुछ ईमानदार तो हो, तुमने अपनी जान बचाने के लिए मुझे वास्तव में नहीं छोड़ा। और इसके बाद वो अपना पंच बनाकर मॉन्स्टर क्लेन के बंदे की चेस्ट पे मारता है लेकिन उसका तो पूरा का पूरा हाथ सुन हो गया था। हालांकि वो तुरंत ही खुद को कवर करते हुए और पीछा करते हुए कहता है तुम लोग सावधान रहो, ये लोग अभी भी पिछले वाले 3 लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि बेचारा अपनी बात को कंप्लीट कर ही पाता कि तभी लॉन्गी अपनी लाइटिंग स्पीड को यूज करते हुए काफी स्पीड से आगे आता है और जिंग बुचैन की तरफ बढ़ रहे बंदे के गले के हार पर अपना लाइटिंग बोल्ट कर देता है जिससे बेचारे की लंका वहीं लग जाती है और वो मर कर वहीं पे गिर जाता है। हालांकि दूसरा बंदा इस चीज से नाराज हो पाता कि तभी लॉन्गी एक बार फिर से उसके पास आ गया था और लॉन्गी का पंच जैसे ही उसकी खोपड़ी से टकराता है उसकी खोपड़ी की हड्डियां चड़बड़ा कर टूट गई होती हैं और बेचारा भी निपट गया होता है। ऐसे रिजल्ट को देखकर तो जो यान भी अब पीछे रहने वाला नहीं था, इसलिए जो यान भी स्माइल करता है और तुरंत ही जो यान दौड़ता हुआ अपना पंच बनाकर एक बंदे को मारता है और दूसरे को अपनी एक लात मारता है और बेचारों की बॉडी के हड्डियां और ढांचे बॉडी से अलग हो गए होते हैं और इन दो लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई होती है। जिसके बाद जॉन की आंखें साइन होती हैं और वो जिंग बुचैन की तरफ देखता है, जो देखकर तो जिंग बुचैन काफी ज्यादा हैरान होता है। उसकी तो आंखें बालकनी से बाहर आ गई थी कि ओ माय गॉड, ये इंसान है कि शैतान, ये तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरा पांचवा बंदा जो अभी भी जिंदा बचा हुआ था जो यान और लॉन्गी को काफी हैरानगी से देख रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सिचुएशन इतनी स्पीड से कैसे बदल गई। अभी अभी तो एंट्री हुई थी और अभी अभी मौत। हालांकि तभी जो यान उस पांचवें बंदे को भी बिना फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज किए हुए मौत के घाट उतार देता है।
जो देखकर जिंगबू चैन कहता है, हालांकि मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा कि तुम लोग पावरफुल तो हो और तुम लोग काफी टैलेंटेड भी हो, लेकिन इससे सेटिस्फाइड होने की जरूरत नहीं है। मैं भी पावरफुल हूँ, मैं तो बस अपनी स्ट्रेंथ छिपा रहा था, वरना इन्हें मारना तो मेरे बाएं हाथ की उंगली का काम था। और वैसे भी ये अभी केवल छोटी मोटी चींटियां हैं। जो देखकर जॉन तुरंत कहता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लॉन्गी और मैं इन छोटी मोटी चींटियों को मारने में कैपेबल हैं? और इसके बाद जॉन कुछ कहने ही वाला था कि तभी लॉन्गी जॉन के कपड़े को पकड़कर खींच लेता है। हालांकि लॉन्गी को अपना कपड़ा खींचते हुए देखकर जॉन लॉन्गी की तरफ देखता तो लॉन्गी अचानक ही लेफ्ट राइट आगे पीछे इशारा कर रहा होता है और उसके इशारों को फॉलो करते हुए जो जॉन का तो चेहरा काला पड़ जाता है। जॉन ने देखा था कि सड़क के दोनों किनारे भारी कदमों की आवाजें आ रही होती और पीली रेत चारों तरफ बिखरी हुई होती है। हालांकि तभी दोनों तरफ आ रहे लोगों को देखकर जिंगबू चैन तुरंत कहता है, तो इस बार ये मुझे खुद को साबित करने के लिए सबसे अच्छी चीज होगी। जिसके बाद बंदा लेफ्ट साइड की तरफ दौड़ पड़ता है, जो देख कर जॉन को काफी ज्यादा बेवकूफ लगता है और उसे काफी गुस्सा भी आता है कि ये बंदा उन लोगों की तरफ भाग गया था जहाँ पे तीन लोग थे। दूसरी तरफ जो यान और लॉन्गे की तरफ अभी भी सात लोग आ रहे थे, लेकिन अचानक हुए इस अटैक से तो जो यान भी अब काफी ज्यादा नाराज हो गया होता है। जिसके बाद जॉन अपनी दो की पावर को एक्टिवेट करता है और तुरंत एक पावरफुल पंच को क्रिएट करते हुए उसकी तरफ भाग रहे एक बंदे की तरफ अटैक कर देता है और जॉन का पंच अटैक सीधा ही उस पर्सन की शील्ड से जाकर टकराता है, जिससे एक शॉक वेव जनरेट होती है और साथ ही साथ ढाल पकड़े हुए पर्सन का चेहरा काफी ज्यादा उदास हो गया होता है। दूसरी जॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला बंदा उससे कितना ज्यादा डरा हुआ है, बल्कि यहाँ तो जॉन पूरी तरीके से बौखला गया होता है। इसीलिए जॉन तुरंत ही उस बंदे की तरफ दौड़ पड़ता है और जॉन की बॉडी से तीनों हेवनली फ्लेम्स रिलीज होने लगती है। साथ ही जॉन की बॉडी जो स्पिरिट सील और साथ ही साथ मैरो लिक्विड के कारण पहले ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो गई होती है, बिल्कुल एक स्ट्रिंग स्टील की तरह मजबूत। तो जो जॉन की बॉडी की टक्कर के कारण वो बंदा तुरंत ही हैवीली इंजर्ड हो जाता है और उसके बॉडी की पूरी हालत खराब हो जाती है, इनर बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। जिसके बाद जो यान उस बंदे को लात मारकर आगे की तरफ फेंक देता है। साथ ही जो यान उस बंदे का यूज एज अ शील्ड कर रहा होता है और ये देखकर बाकी के छह लोग अभी भी थोड़ा सा झिझकने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार जो यान उनके बंदे को एज अ शील्ड यूज कर रहा था और उनके द्वारा मारे गए अटैक उन्हीं के बंदे को डैमेज कर सकते थे। हालांकि बैटल एरिना के अंदर कोई भी हिचकिचाहट कैसे हो सकती थी, इसलिए जॉन कुछ ही टाइम के अंदर एक एक्स पकड़े हुए बंदे के सामने पहुंच जाता है, जिसके बाद जो यान खींच कर उसे अपनी लात मारता है। साथ ही जॉन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि बंदा कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। दूसरी जॉन ने उसे लात मारकर साइड में कर दिया था, जिसके बाद जो यान कंटिन्यू से दो चार और मुक्के मारता है और उसका जो ब्लड होता है वो पूरी तरीके से रास्ते में बिखर जाता है। जिसके बाद जॉन कहता है, वास्तव में इस जगह का यूज करके इनको मारना काफी ज्यादा इजी होगा। जिसके बाद जो यान अपनी स्पीड को बिल्कुल भी नहीं रोकता और तुरंत ही एक दाढ़ी वाले बंदे की तरफ दौड़ पड़ता है, जिससे दाढ़ी वाला बंदा तुरंत ही अपनी बॉडी के ऊपर काफी एयर प्रेशर फील करता है, उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई होती है और जो यान की तरफ देखते हुए वो तुरंत ही अपना अटैक जो यान के ऊपर चार्ज कर देता है। साथ ही उस गदा से हल्की फ्लोरोसेंट सी लाइट रिलीज हो रही होती है और उसके अंदर काफी सारे लंबे लंबे दाने होते हैं और वो सीधा ही उसे घुमाकर जो यान की तरफ अटैक करता है। हालांकि तभी जॉन अपनी पावर के साथ उस दाढ़ी वाले आदमी के गधे को डॉच करते हुए पावरफुल तरीके से उस पर अटैक करता है और दाढ़ी वाले बंदे को तो पता भी नहीं चलता कि उसे जॉन ने मार कब दिया, क्योंकि जॉन ने उसे मारा ही नहीं था, जो यान ने बस उसका ध्यान डाइवर्ट किया था। और उसी टाइम पे लॉन्गी ने अपनी लाइटिंग स्पेयर को क्रिएट करके उस बंदे की बॉडी के आर पार कर दिया था। जिसके बाद जॉन कहता, बहुत बढ़िया लॉन्गी, शाबाश। और इसके बाद जो यान और लॉन्गी अपनी बैटल पावर को अनलिस करते हुए बाकी के चार लोगों को भी घेरना स्टार्ट कर देते हैं। सदी जॉन की तारीफ को सुनकर लॉन्गी थोड़ा सा शर्मा गया होता कि यार पप्पा अप्रिसिएट कर रहे हैं रे बाबा। जिसके बाद वो अपनी ड्रैगन ऑरा को अनलिस करता है, जिसके कारण उनकी तरफ भाग रहे वो चारों लोग दिल में काफी डरा हुआ फील करते हैं और कुछ टाइम के लिए जो उनकी बैटल पावर होती है वो सील हो जाती है। और इसी टाइम का फायदा उठाकर लॉन्गी अपने स्पेयर को क्रिएट करते हुए उनमें से एक के पेट में घोंप देता है और कुछ ही सेकंडों में सात लोगों में से केवल चार ही जो यान और लॉन्गी द्वारा समाप्त कर दिए गए थे और अब वहाँ पे भी केवल तीन ही लोग बचे थे और उन तीनों की पीठ में ठंडक फैल गई थी और वो काफी ज्यादा गहराई से जो यान और लॉन्गी से डर रहे होते हैं। साथ ही वो तुरंत ही काफी स्पीड के साथ यहाँ से भागने लगते हैं, जो देखकर लॉन्गी कहता है, सालों मेरे पप्पा को मारने की हिम्मत कैसे की और उनके ऊपर अटैक करने के बाद तुमको लगता है कि हम तुमको जाने देंगे? अरे बुड़बक, चलो शांति से प्यार से मर जाओ। और इतना बोलते ही लॉन्गी अपने ऑरे को अनलिस करता है और उसकी बैटल एनर्जी के साथ दो पावरफुल स्पेयर क्रिएट होते हैं और वो दो लोगों को तुरंत ही उन भालों से अटैक करता है। और जहां तक बात थी बाकी के दो भाग रहे लोगों की, तो लॉन्गी पहले ही उनके सामने पहुंच चुका होता है, जिससे बेचारों का जो कॉन्फिडेंस था वो टूट गया होता है, मतलब एक के सामने। जिसके बाद लॉन्गी का पंच भूरे बाल वाले उस बंदे को पड़ता है जो उसके सामने था, तो बेचारा ब्लड की उल्टियां करते हुए लॉन्गी को काफी गुस्से से देख रहा होता है, जो कि बस एक बच्चे की तरह दिख रहा था, लेकिन उसने उसे सप्रेस करके रख दिया था। हालांकि तभी लॉन्गी अपना स्पेयर क्रिएट करके उस बंदे को अपने एक ही शॉट में किल करने वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पे
वो स्पेयर अपनी तरफ आता देख बंदा अपनी आंखें बंद कर लेता है। जो देख कर लौंगी तुरंत ही अपने दिल में ठंडक को फील कर जो कहता है नहीं। लौंगी एक चीज तो समझ गया था, ये बंदा इतना ज्यादा भी कायर नहीं है कि चुपचाप मौत का इंतजार करेगा। इसलिए लौंगी यहाँ पे लाइफ और डेथ के बैटल को फील करते हुए तुरंत ही काफी स्पीड के साथ पीछे हट जाता है। साथ ही लौंगी ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। हालांकि लौंगी के पीछे हटते ही वो बंदा तुरंत ही उसके हाथ में दो नाइफ अफेयर होते और वो तुरंत ही उसी जगह पर पूरी पावर के साथ अटैक करता है जहाँ पे लौंगी पहले था। और इसके बाद लौंगी का भाला उसकी बॉडी के आर पार, साथ ही जहाँ पे उसके चाकू अटैक कर रहे थे वहाँ पे पूरा का पूरा स्पेस क्रैक हो गया था। जो देखकर लौंगी हैरान होते हुए कहता है क्या इस भूरे बालों की दुकान का ये लास्ट अटैक था। साथ ही बंदा काफी ज्यादा हैरान भी होता है, जिसके बाद लौंगी कहता है साला फ्यूचर में चाहे मुझे कितने भी वीक लोगों का सामना क्यों ना करना पड़े मुझे अलर्ट रहने की जरूरत है, ये लोग भी काफी तगड़ा झटका दे सकते हैं। जिसके बाद लौंगी सीधा ही जो यान के बैटल की तरफ देखता है क्योंकि इस टाइम पे बाकी के दो लोगों के साथ जो यान उलझा हुआ था लेकिन अब तक वहाँ का भी जो बैटल था वो सॉर्ट आउट हो चुका होता है। जिसके बाद जियान कहता है डाउडी कॉन्टिनेंट में आने के बाद शायद ही मैंने कभी दोनों हाथों का यूज किया हो फाइट करने के लिए, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं और लोगों को मारना चाहता हूँ। दूसरा जियान के मुक्का लात घुटने टोहनी उंगलियां और पावरफुल अटैक खाने के बाद और ड्रम की तरह दंदनादन बजने के बाद ये बंदे काफी ज्यादा उदास और रोंदू सी शक्ल के साथ जो यान को देख रहे होते हैं, साथ ही काफी ज्यादा डरे भी होते हैं। हालांकि इनकी बॉडी के ऊपर ज्यादा खतरनाक निशान नहीं थे लेकिन बंदों को जो चोटें आई थी वो काफी ज्यादा इनर चोटें थी। साथ ही जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा उदास किया था वो था जो यान की स्पीड जो कि उनकी उम्मीद से भी ज्यादा तेज थी, इतनी तेज कि वो जियान की परछाई बस देख पा रहे थे। जिसके बाद जो यान की तरफ ये देखते हुए कहते हैं वाह टायर्ड और गालियां देने लगते हैं लेकिन तभी जियान कहता बस बहुत हो गया, इज्जत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं, अब खत्म होने का टाइम है। और इतना कहते हुए जियान सीधा ही एक बंदे की तरफ अपने पंच को बढ़ा देता है जो देखकर बंदा डरते हुए भूरे वाले वाले बंदे की तरह ही करता है और एक गोल्डन डैगर को अपीयर करता है। साथ ही बड़ी उम्मीद के साथ वो उस गोल्डन डैगर को जियान के पंच की तरफ बढ़ा देता है लेकिन ये क्या, जैसे ही वो गोल्डन डैगर और जियान का पंच टकराता है तो जो वो डैगर होता है वो कहाँ उड़ के गया वो तो किसी को पता नहीं था लेकिन इस बंदे की खोपड़ी की धज्जियां उड़ गई होती हैं जबकि जियान के हाथ को कुछ भी नहीं हुआ होता। साथ ही बंदे की खोपड़ी में चोट लगने के कारण लाइफ पावर भी खत्म हो गई होती और बॉडी जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर तो लास्ट बचा हुआ बंदा उसका तो दिल टूट जाता है। साथ ही उसने भी जो गोल्डन डैगर अपीयर किया था उसे पकड़े हुए उसका हाथ बुरी तरीके से कांप रहा होता है और उसे अपने हाथ में उसका सिल्वर डैगर काफी ज्यादा भारी लग रहा होता है। तभी जियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है या तो तुम कुछ डिसाइड कर लो या मुझे डिसाइड कर लेने दो। तभी वो जो यान की तरफ देखते हुए उसे बहन की गाली देते हुए सीधा है अपनी बॉडी की बची हुई जितनी भी एनर्जी होती है वो अपने डैगर में डालता है क्योंकि उसे पता था कि उसका यही अटैक लास्ट अटैक होने वाला है। साथ ही वो इस डैगर से जियान की खोपड़ी की तरफ अटैक करता है क्योंकि वो किसी भी कीमत में बस जो यान को चोट पहुंचाना चाहता था और इतना उसके लिए पैसा वसूल था और यही मात्र उसका एक आखिरी थॉट माना जा सकता था। लेकिन तभी जियान कहता है अब क्योंकि तुम मरने वाले हो तो तुम्हें अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। और इतना कहने के बाद जो यान उस बंदे से थोड़ा सा दूर आ जाता है और उस लास्ट बचे पर्सन को देखता है। तभी वो बंदा जो यान की हरकतों को देखकर काफी हैरान होते हुए और एम्बेरस होते हुए तुरंत ही अपनी कांपती हुई आवाज के साथ चिल्लाता है तुम वास्तव में इंसान नहीं हो, अगर तुम अभी भी ब्लड मून के इफेक्ट में भी इतने ज्यादा शांत रह सकते हो तो मैं नहीं मानता कि तुम इंसान हो। जो देखकर जियान कहता है अरे बकवास बंद कर, अगर मैं इस टाइम पे शांत नहीं रह पाता तो मैं बहुत पहले ही मर गया होता, भले ही आसमान के ब्लड मून के कारण मेरा दिमाग थोड़ा सा गुस्से वाला हो गया है फिर भी मैं शांत रह सकता हूँ, मेरे ऊपर राइटर का आशीर्वाद है। जिसके बाद जो यान अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए लौंगी की तरफ देखता और कहता है जाओ देखो जिंग बूचन कैसा कर रहा है। और इसके बाद इस आखिरी बंदे को भी मारकर जो यान और लौंगी सीधा ही जिंग बूचन की तरफ चले जाते हैं। साथ ही उन्हें पता था कि जिंग बूचन की स्पीड के साथ वो तीन लोग चाहे कितना भी कर ले उसे मार तो नहीं पाएंगे। साथ ही जो ने जो कहा था वो सही भी था कि जिंग बूचैन की जो स्पीड थी वो काफी तेज थी और सामने वाली पार्टी में केवल एक ही पर्सन रह गया था। साथ ही ऐसा लग रहा था कि वो काफी लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा जिंग बूचैन के सामने। और इसके बाद वो दोनों लोग रुक कर जिंग बूचैन की फाइट देखने लगते हैं। तभी जिंग बूचैन डांटते हुए कहता है तुम दोनों ब्लडी बास्टर्ड, तुम यंग मास्टर को इस तरीके से फाइट में झोंक कर फाइट के मजे ले रहे हो, तुम लोग शांति से कैसे बैठ सकते हो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, और उन्हें डांटना शुरू कर देता है। तभी जॉन कहता है तुम ही ने तो इन तीनों को अपने लिए बैटल के लिए चूज किया था, अब तुम हमें ही डांट रहे हो, फाइट करो मारो और काम खत्म करो, हमें आगे भी जाना है। जो देखकर जिंग बूचैन तुरंत ही कहता है साला लगता है मैंने गलत पर्सन को चूज कर लिया और अपना पूरा का पूरा गुस्सा वो लाश बंदे के ऊपर निकाल देता है और एक ही पंच में उसे ढेर कर देता है। जिसके बाद वो अपने कपड़े को झाड़ते हुए कहता है मैं वास्तव में ऐसा करना चाहता हूँ इसका कोई मतलब नहीं, वो तो आप लोगों के चक्कर में मुझे फाइट करनी पड़ रही है, नहीं तो मैं आराम से कहीं बैठ कर और छिप कर इस फाइट का आनंद ले रहा होता, पता नहीं मेरी नज़र ऐसी खराब क्यों हो चुकी है जो मैंने तुम जैसे लोगों को चूज कर लिया। जो देखकर जॉन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है लौंगी और मुझे आपको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है,
हम लोग अपने रास्ते पे चले जाएंगे। जिस पे जिंगबूचन तुरंत हंसते हुए कहता है, अरे नहीं 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 नहीं, तुम तो बुरा मान गए, क्योंकि यंग मास्टर ने अब तुम्हें एज अ फ्रेंड चूज किया है तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करेगा। वैसे तुम लोग की पावर भी खराब नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम जियो क्लेन के नंबर वन टैलेंटेड पर्सन जितने पावरफुल हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तव में तुम वही पर्सन हो जिसके बारे में हम सभी ने सुना है? लेकिन इतना कहता ही जो यान के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं जैसे ही जॉन ये सुनता है। लेकिन जिंगबूचन तुरंत ही मना करते हुए कहता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, जहाँ तक मैंने उसके बारे में मिथ सुने हैं तो वो बंदा काफी ज्यादा रिच है, और अगर वो बंदा इतना ही रिच है तो उसके पास तो काफी सारे गार्ड होते, वो तुम्हारे जैसे चूतियापा करते हुए अकेले यहाँ पे थोड़ी आता अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए। साथ ही साथ मैंने कभी भी नहीं सुना कि उस बंदे के साथ कोई छोटा सा बच्चा हो जैसे कि तुम्हारे साथ है। और इतना कहने के बाद जिंगबूचन जोयान के बगल में चट्टान के साथ झुककर बैठ जाता है और जोर जोर से हांफने लगता है। हालांकि तभी एक आवाज आती है, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, स्मेली ब्लडी बास्टर्ड, कुत्ता, कमीना, अगर अगली बार मुझे छोटा बच्चा कहा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। और इस टाइम पे लोंगी घूर कर जिंगबूचन को देख रहा होता है। साथ ही उसे गुस्सा आ रहा होता कि ये बंदा उसे बार बार छोटा बच्चा कह रहा था। तभी जिंगबूचन कहता, हो छोटे बच्चे का बिहेवियर तो और भी ज्यादा एरोगेंट है, इसीलिए ये बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता। साथ ही यहाँ पे जिंगबूचन लोंगी को चिढ़ा रहा होता है, साथ ही वो जोर जोर से हांफ भी रहा होता है, जिसका मतलब था कि इस बैटल में वो काफी ज्यादा थक गया था। साथ ही ये देखकर कि जिंगबूचन ने उसकी चेतावनी को इग्नोर कर दिया और उसे फिर से बच्चा कहा, तो लोंगी तुरंत ही फुल चौड़ के साथ जिंगबूचन के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में तुरंत ही लाइटिंग साइन होती है और इसके बाद वो ऐसे खड़ा हुआ होता है जैसे वो जिंगबूचन को चैलेंज कर रहा हो कि आज अब मुक्का लात हो जाए। जो देखकर जिंगबूचन तुरंत ही कहता है, ब्रदर जी हो तुम इस बच्चे की थोड़ी सी देखभाल करो। साथ ही लोंगी को गुस्से में देखकर जिंगबूचन को वास्तव में छोटा बच्चा कहने के बजाय अब उसे केवल बच्चा कह रहा होता है। तभी जॉन कहता है, मैं इसकी देखभाल कैसे कर सकता हूँ ये तो, और इतना कहते हुए जियो यान रुक जाता है, जिसके बाद जॉन कहता है ठीक है और लोंगी की तरफ देखता है। साथ ही वो लोंगी को शांत कराता है, क्योंकि वास्तव में वो यहाँ पे लोंगी की आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करना चाहता था और बेकार में फाइट भी स्टार्ट नहीं कराना चाहता था। साथ ही यहाँ पे तो लोंगी अभी भी जिंगबूचन को डांट रहा होता है, क्योंकि बेचारा बहुत खुन्नस खा गया था। हालांकि तभी जॉन कहता है, रुको ये देखो ब्लड मून कम्प्लीट होने वाला है, और दोनों के बीच के झगड़े को रोकता है। जिसके बाद जॉन कहता है, जब हम अंदर आए थे तो ये केवल हाफ मून था, जिसके बाद वो जैसे ही बादलों में छुपे हुए मून को देखते जो पूरा ब्लड रेड होता है, साथ ही साथ उसके पीछे ब्लड मिस्ट बह रही होती है। तो जॉन तुरंत कहता है, ब्लड मून कंप्लीट हो गया है और कलर ब्लड रेड हो चुका है। और ये देखकर जॉन तुरंत ही अपने सिर को नीचे कर लेता, क्योंकि ब्लड मून की लाइट की उसे आदत नहीं थी, साथ ही वो उसे लॉन्ग टाइम तक देखना नहीं चाहता था। जिसके बाद जॉन कहता है, इस ब्लड मून का कलर जितना ज्यादा डार्क रेड होता जा रहा है, मैं खुद की बॉडी में उतना ही ज्यादा बेकाबू फील कर रहा हूँ। जिसके बाद जॉन कहता है, ऐसा लगता है कि अब लड़ाई अभी शुरू हुई है। साथ ही जॉन को पता था इस ब्लडी बैटल के अंदर काफी सारे लोग अपनी जान खो देंगे, लेकिन इन किलिंग्स के साथ जैसे जैसे ये मून कम्प्लीट हो गया था, सभी लोग अपने दिल में उठने वाले एक दूसरे को मारने के थॉट को और देर तक नहीं दबा पाएंगे, जिसके बाद एक दूसरे को मारने का तांडव और भी पागलपन की तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही जोयान की बात को सुनकर लिंगबूचन, जिंगबूचन और लोंगी दोनों ही अपना सेल आते हैं। साथ ही यहाँ पे जिंगबूचन थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसे पता था कि अब पहले से ज्यादा बड़े खतरे उनके सामने होंगे। जिसके बाद लोंगी जिंगबूचन अचानक अपने हाथ से दो घुंघराले पत्तेदार कोई चीज निकालता है और एक जोयान और एक लोंगी को पकड़ा देता है। जो देखकर जॉन कहता है, ये क्या चीज है। यहाँ पे जॉन इस बात को लेकर टेंशन में था कि अगर ये चल रहे इनफाइनाइट बैटल के बीच में उसकी मुलाकात किसी अनबीटेबल टैलेंटेड पर्सन से हो गई तो क्या उन तीनों के पास अभी भी उससे सेफली फाइट करने और मामले से निपटने और बचने के चांसेस होंगे या नहीं। हालांकि तभी उस पत्ते को देखकर जिंगबूचन कहता है, अगर इसे आप अपनाएंगे नहीं और यूज नहीं कर पाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, खुद ट्राई करके देखो। उसकी बात को सुनकर जोयान तुरंत ही उसे स्मेल करता है, तो जॉन को जो स्मेल फील हुई थी इससे जॉन थोड़ा सा फैमिलियर होता है। यहाँ तक कि ड्यूकी कॉन्टिनेंट से भी जॉन फैमिलियर था, मतलब ड्यूकी कॉन्टिनेंट में जॉन ने इसके बारे में सुना था, इसलिए जॉन तुरंत कहता है, मिस्ट। हालांकि तभी जिंगबूचन कहता है, मिस्ट वो चीज क्या है। इस बार हैरान होने की बारी जिंगबूचन की थी। साथ ही जॉन को समझ में नहीं आता कि वो इसे कैसे समझाए, इसलिए जॉन स्मेल करते हुए कहता है, सबसे पहले मुझे ये बताओ ये चीज तुम्हें कैसे मिली। तभी जिंगबूचन कहता है, ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल बोरिंग है। जिसके बाद जिंगबूचन एक फायर बुक निकालता है और उसे इग्नाइट करते हुए वो एक सांस लेता और कहता है, एक बार मैं एक ओपोनेंट का पीछा कर रहा था तो ओपोनेंट ने मुझे कंफ्यूज करने के लिए फॉरेस्ट में आग लगा दी थी और उसके लिए उसने इस चीज का यूज किया था। जिसके बाद जब ये चीजें मुझे मिली तो मैंने इसका नाम कर्ली रीफ रख दिया, इसलिए कैसा रहेगा कि आप इसे आजमाएं। साथ ही ये कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए हमें इसका कम यूज करना होगा और प्रीसियस जगह पर
साथ ही ऐसा कहते हुए जिंग बुचैन काफी फ्रॉडफुल तरीके से जॉन को देख रहा होता है। हालांकि तभी जिंग बुचैन लोंगी की तरफ देखता है जिसने तो वो पूरा का पूरा पत्ता खा लिया होता है। ये देखकर वो तुरंत ही कहता है अरे बच्चे कल ली लीप को इस तरीके से नहीं खाते, तुमने इसे बेकार कर दिया। दूसरी तरफ लोंगी ने तो इस पत्ते को मुंह पे डालकर 2-3 बार चबाया और इसे तुरंत ही थूक दिया क्योंकि इसका टेस्ट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तभी लोंगी अपने भौं को उठाते हुए कहता है इसका टेस्ट बिल्कुल गंदा है। हालांकि तभी जिंग बुचैन कहता है इसे ऐसे यूज नहीं किया जाता, इसे मेरी तरह यूज करो, पहले इसे जलाओ और इसके बाद इसके धुएं को फेफड़े तक घुसने दो। ये साला सिगरेट पीना सिखा रहा है भाई। साथ ही इस टाइम पे जो यान इस धुएं की स्मेल को फील करते हुए काफी ज्यादा उदास होते हुए कहता लगता है कुछ टाइम में दुनिया काफी ज्यादा बदल चुकी है और एशियन टाइम को याद करता है जहां सब कुछ शांति से होता था। जिसके बाद जोन कहता है टाइम बहुत जल्दी निकल गया, यंग लोग अब ओल्ड हो गए हैं। हालांकि तभी जिंग बुचैन कहता है देखो छोटे लड़के तो तुमने वास्तव में इसे पीना सीख लिया। और इस टाइम पे जिंग बुचैन धीरे धीरे लोंगी को बहकाते हुए बिगाड़ रहा होता है, भाई सिगरेट पीना सिखा रहा है बंदा। हालांकि तभी जिंग बुचैन लोंगी के लिए एक सिगरेट बनाता है और उसे पकड़ाता है तो लोंगी तुरंत ही उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। अब बारी से एक नाइट करने की थी इसीलिए लोंगी तुरंत ही अपने हाथ से हल्का सा इशारा करता है और आसमान से एक पावरफुल लाइटिंग गिरती है जो बिल्कुल उस सिगरेट के ऊपर टच होती है और सिगरेट इग्नाइट हो जाती है। दूसरी तरफ जिंग बुचैन के तो बाल और आंखें दोनों की दोनों बाहर आ गई होती हैं। बंदा आधा टकला हो गया होता है, उसे उम्मीद नहीं होती है कि लोंगी अपनी सिगरेट को जलाने के लिए पूरा का पूरा लाइटिंग बोल्ट गिरा देगा। जिंग बुचैन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। साथ वो अपने हाथ में जलुई आग को तुरंत ही बुझाता है और लोंगी की तरफ देखते हुए कहता है ये तुमने अभी कैसे किया, छोटे बच्चे तुम बड़े हो जाओगे तो लोगों को धमकाने के लिए ऐसी चीजों का यूज करोगे, लड़कियां तो तुमसे ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाएंगी। तभी जो यान अब तक अपने बैक फ्लैशबैक से बाहर आ गया होता है और वो तुरंत ही कहता है जिंग बुचैन क्या तुम उसे बिगाड़ रहे हो। तभी जिंग बुचैन तुरंत कहता है ये तो ऐसी चीज है जो हर किसी को आनी चाहिए, इसमें बिगाड़ने जैसी कौन सी बात है। जिसके बाद वो जियान और लोंगी की तरफ देखते हुए कहता है पता नहीं तुम लोग कैसे लोग हो, तुम लोग के साथ कोई चीज नॉर्मल नहीं हो सकती क्या, तुम लोग एक अकेली सिगरेट को जलाने के लिए भी ऐसी चीजें करते हो। हालांकि तभी भी जो यान एक सिगरेट को अपनी स्काई फायर से इग्नाइट करता है और एक कस लेते हुए कहता है मुझे याद है कि तुमने कहा था कि अंदर आने के बाद, मुझे अच्छे से याद है कि अंदर आने के बाद आपने कहा था कि डिजास्टर आएंगे तो हम अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या तुम अलग जाना चाहते हो। जॉन की बात को सुनकर तो जिंग बुचैन एम्बैरस हो जाता है और तुरंत ही अपने नाक को सिकोड़ते हुए कहता है वो तो एक्सट्रीम टाइम की स्ट्रेटजी है और वैसे भी मैं चला गया तो तुम लोग को सेफ कौन करेगा। साथ ही जिंग बुचैन कहता है वैसे भी हम जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और सियोरिटी की हम जिंदा बच पाएंगे, इसलिए तुम लोग मेरे साथ रह सकते हो, कोई बात नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और ऐसे ही ये बात करते हुए उस चट्टान के ऊपर बैठे हुए होते हैं। दूसरी तरफ लोंगी जिसने पहले कभी भी यह धूम्रपान वूम्रपान नहीं किया था वो इसके धुएं के कारण बार बार जोर जोर से खांस रहा होता है। तो जियान लोंगी को खांसते हुए देखकर तुरंत ही जिंग बुचैन को डांटते हुए कहता है तुम्हें बच्चे को सिगरेट नहीं देनी चाहिए। लेकिन तभी जियान नोटिस करता है कि जिंग बुचैन के फोरहेड का जो मून था वो लोंगी जितना ही डार्क रेड हो गया था, जो देखकर जियान तुरंत ही कहता है मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, जिंग बुचैन ने 7 लोगों को मारा है जबकि लोंगी ने केवल 3 ही लोगों को मारा है, आई मीन 4 लोगों को, फिर इन दोनों का जो हाफ मून है इक्वली साइन कैसे कर सकता है। जिसके बाद तुरंत ही जियान समझते हुए कहता है ऐसा हो सकता है कि सर लोंगी ने जिन लोगों को मारा हो उन लोगों ने भी काफी सारे लोगों को मारा हो। जिसके बाद जियान कहता है ऐसे तो मैंने भी फिर काफी सारे लोगों को मारा है। और जिंग बुचैन की तरफ देखते हुए जॉन कहता है मुझे और लोंगी को देखो और बताओ हम दोनों में से किसके फोरहेड का जो रेड है मून वो किसका सबसे ज्यादा रेड है। ये सुनकर जिंग बुचैन काफी ज्यादा एरोगेंटली जो यान की तरफ देखता है और इसके बाद लोंगी की तरफ देखता है तो थोड़ा सा हैरान होते हुए गुस्से से जॉन से कहता है आपके फोरहेड का जो मार्क है वो और भी ज्यादा रेड है, मैंने आपसे कहा था कि यह पॉसिबल है कि आप वास्तव में गार्डियन बीस्ट का इनाम जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा सपना मत देखना, कुल मिलाकर केवल 10 ही पोजीशंस है और कुछ अनबीटेबल पावरफुल टैलेंटेड लोगों ने पहले ही तुमसे काफी ज्यादा लोगों को मार दिया होगा। साथ ही भले ही तुम्हारी पावर मेरी सोच से परे है लेकिन अभी भी इतनी ज्यादा नहीं कि उन लोगों को हैरान कर सको। साथ ही साथ अगर मेरा आप सजेशन मानना चाहे तो मैं आपसे केवल यही कहूंगा कि इनाम इनाम जीतने के थॉट के बारे में छोड़ दीजिए और केवल एक ही बात सोचिए कि यहाँ पे जिंदा कैसे रहा जाए, ये जगह बहुत खतरनाक है। तभी जियान कहता है अरे इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस क्यूरियस था इसीलिए तुमसे ऐसा पूछ रहा था। तभी जिंग बुचैन कहता है मैं ऐसा एवे ही नहीं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एक और फाइट होगी क्योंकि आखिरकार लोंगी ने जब अपनी सिगरेट इग्नाइट की थी तो पूरा का पूरा लाइटिंग बोल्ट ऑफ बुला लिया था जिसके कारण काफी तेज शोर हुआ था, तो पावरफुल लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। तभी जियान कहता है तो क्या आप इस चीज से बचना चाहते हैं। तभी जिंग बुचैन कहता है जो कुछ भी होगा अब देखा जाएगा, साथ ही आप दोनों लोगों के साथ मेरा कॉन्फिडेंस पहले ही काफी ज्यादा बढ़ चुका है इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जॉन कहता है अगर तुम बाहर जाओ तो ये पत्ते मेरे लिए और ले आना, हालांकि उसने भी इतना कहा ही था कि तभी अचानक जॉन को अपने पीठ पे ठंडक फील होती है जिससे जॉन तुरंत ही हैरान होता है, कहता है
ये क्या चीज है? और जॉन काफी ज्यादा हैरान इस चीज से हुआ था कि जिस चट्टान पर वो झुके हुए थे वो चट्टान नहीं थी। और अपने आप को रिकवर करते हुए जॉन सिर्फ एक मात्र पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते ही और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और जिंगबू चैन के कंधे को पकड़कर तुरंत ही पीछे की तरफ आ जाता है, जिसके बाद वो लोग दूर से देखते हैं कि उस चट्टान में काफी सारे क्रैक आते जा रहे हैं। और इसके बाद दो ब्लू हैंडल डैगर सीधा ही उस चट्टान को चीरते हुए जो यान की तरफ बढ़ जाते हैं। और वास्तव में किसी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे नेचुरली डले हुए इन चट्टानों और पत्थरों के अंदर कोई छिप सकता है। हालांकि लकीली जुआन की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए जुआन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। हालांकि इस टाइम पे जोयान जो आगे की तरफ भाग रहा था और डैगर जस्ट उसके पीठ के पीछे था, जुआन के पास वास्तव में इससे डॉच करने का टाइम नहीं था। दूसरी तरफ जिंगबू चैन जब ये देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वास्तव में उन पर छिपकर अटैक किया गया था। साथ ही वो जोयान को बचाने के लिए काफी ज्यादा गुस्से से चिल्लाता है और उसे डैगर की तरफ उड़ जाता है, लेकिन वो डैगर पहले ही जॉन के कपड़ों तक घुस चुका था। लेकिन अचानक ही उसी प्रीसियस मोमेंट पे जॉन अपने हाथ के हथेली को पीछे की तरफ मोड़ता है और उससे बैटल कोई रिलीज होती है और वो डैगर जोयान की बॉडी के बगल में 2 मीटर बगल में 2 फीट अंदर तक गड्ढा कर देता है, जो देखकर तो जॉन बुरी तरीके से कांप जाता है कि अगर ये उसकी पीठ से और ज्यादा तेज से टकराया होता तो आर पार निकल जाता। तो साला चूतिया राइटर, हमको ये बताओ, जब तुमको यही करना था तो फिर ये क्यों कहा कि जॉन के पास डॉच करने का टाइम नहीं है? उसने ये डॉच ही ना कर लिया भाई। हालांकि इस टाइम पे इस डैगर से बचते हुए जॉन के माथे से ठंडा पसीना बह रहा होता है। इस टाइम पे जॉन पूरी बॉडी उसकी पसीने से भीगी हुई होती है। साथ ही जोयान ने फील किया था कि इस डैगर के अंदर पॉइजन भी लगा था और अगर जॉन ने सही टाइम पे इसे डॉच नहीं किया होता तो जियान तो खून के लोथड़े में बदल गया होता, जिससे सोच कर तो जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जियान ने इतने कसकर मुट्ठी भींची हुई होती है कि नाखून हथेली के अंदर चले गए होते हैं। दूसरी तरफ लोंगी और जिंगबू चैन ने पहले ओपोनेंट को घेर लिया होता है जो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था और ये स्नेक डायमंड क्लेन का मेंबर होता है, इसीलिए कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि ये चट्टान के अंदर छिपने में कैपेबल था। जिसके बाद जिंगबू चैन अपनी भौं उठाकर अभी अभी के रोमांच के बारे में सोचता है। हालांकि तभी जिंगबू चैन की नजर ऊपर आसमान की तरफ जाती है जहाँ पे 2 सर्पेंट टाइप के मेंबर्स और होते हैं जो कि जोयान की तरफ देखते हुए तुरंत ही कहते हैं, ये अटैक एकदम सही था और बिल्कुल परफेक्ट, फिर भी इस बच्चे ने इसे डॉच कैसे कर लिया, वो भी तब जब अटैक उसके ऊपर चार्ज हो चुका था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हालांकि दूसरी तरफ लोंगी उसे काफी ज्यादा नफरत से देख रहा होता है और जॉन भी वास्तव में इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ जिंगबू चैन ने तो सीधा ही इनके ऊपर अटैक कर दिया होता है और अपनी एक्सट्रीम लेवल की स्पीड का यूज करते हुए एक ही टाइम पे दोनों ही ट्राइब के मेंबरों के पास पहुंच गया होता है। लेकिन स्नेक डायमंड क्लेन के वो बंदे भी बिल्कुल भी नहीं घबराते और अपनी पावर के साथ एक डैगर को क्रिएट करते हुए सीधा ही जिंगबू चैन के गले पर अटैक कर देते हैं। साथ ही ऐसा लग रहा था कि जिंगबू चैन ने जैसे इसकी उम्मीद पहले ही कर ली थी, वो तुरंत ही अपने राइट हैंड से एक फिंगर अटैक को क्रिएट करता है क्योंकि जिंगबू चैन उससे उस बंदे की कलाई पर अटैक करता है, क्योंकि जिंगबू चैन को पता था अगर ये अटैक उससे टकरा गया तो उसकी बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है इसके पॉइजन के इफेक्ट के कारण। सपोज स्नेक डायमंड क्लेन के बंदे के इंप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं जिंगबू चैन की प्रेडिक्शन और स्पीड को देखकर, इसलिए अपने अटैक को डॉच होता हुआ और बदलता हुआ देखकर वो तुरंत ही घूम के जिंगबू चैन को कसकर लात मारता है और उसके जूते अजीब तरीके से साइन हो रहे होते, जो देखकर जिंगबू चैन तुरंत ही कहता है, डैम इट, स्नेक क्लेन के पूरे ही पूरे वॉरियर्स की पूरी बॉडी को क्या हिडन अटैक के लिए बनाया गया है, इनके जूते भी वेपन है। जिसके बाद जिंगबू चैन लेफ्ट हैंड से उसकी बॉडी पे यानी पैर पे अटैक करता है और उस पैर को डॉच करते हुए वो अपने राइट हैंड से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो सांप क्लेन का जो मेंबर होता है वो उस अटैक से टकरा कर कुछ कदम तक पीछे जाता है, लेकिन उसके इंप्रेशन अभी भी ज्यों के त्यों होते हैं। जिसके बाद जिंगबू चैन तुरंत ही कहता है, स्नेक डायमंड क्लेन वास्तव में डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई क्लेन नहीं है जो ऐसी घटिया हरकतें करे, तुम वास्तव उसके चेहरे को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। जिंगबू चैन की बात को सुनकर उस बंदे का इंप्रेशन तो पूरी तरीके से राख में बदल गए होते हैं, लेकिन वो तुरंत ही एक बार फिर से हंसता है, लेकिन इस बार उसके साथ जिंगबू चैन भी हंस रहा था। और इसके बाद वो अपने राइट हैंड की तरफ देखता और वो अटैक जिसे वो काफी देर से रेडी कर रहा था वो पूरी तरीके से क्रिएट हो गया था, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने उस अटैक से सामने वाले स्नेक डायमंड ट्राइब के बंदे के गले पर अटैक करता है और वो बंदा अनट्रस्टेड तरीके से जिंगबू चैन को देख रहा होता है। साथ ही उसके क्लेन मेंबर्स उसकी मदद के लिए आ पाते उससे पहले ये सब एक झटके में हो चुका होता है और उस स्नेक ट्राइब के बंदे की बॉडी सीधा ही जमीन पे गिर जाती है, जिससे बाकी का साथ ही वो अकेला बचा हुआ बंदा फील करता है कि वास्तव में उसने बाकी के 3 लोगों को और उनकी पावर को काफी कम करके आका है। साथ ही उसने फील किया था कि उनके औरों के कारण उसका तो सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी जोयान कहता है, हालांकि मैंने तुम्हारे हाथ में कोई वेपन नहीं देखा, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं होगा, लेकिन इस बात की तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास जो वेपन है वो वास्तव में फेंके जाने वाला डैगर है। तुमने अपने डैगर को इतने पीसेस टाइम पे यूज करते हुए उसकी लंका लगा दी, जिससे जिंगबू चैन भी अपने दिल में थोड़ा सा प्राउड फील करते हुए जॉन की तरफ स्माइल करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड मैं अब यहीं पे एंड करूंगा क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी हिम्मत में नहीं हूँ।
की वीडियो और एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक्सप्लेन करते करते दो तीन बार मैं सो भी चुका हूँ। तो इसे रखो, रात का वीडियो जल्दी ही आप लोग को मिल जाएगा। तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय 3 एंड फैमिली।